दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसएससी एमटीएस 2024 एडमिट कार्ड की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड आज रिलीज हो चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हो। 9583 एमटीएस हवलदार पोस्ट के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके एग्जाम के लिए अब यहाँ पर एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम डेट डायरेक्ट लिंक सभी डिटेल इसमें आपको प्रोवाइड करा दी गई है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जैसे आप इस पेज पर विजिट करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जिसने यहां पर ये कंडक्ट किया है एग्जाम। पोस्ट है यहां पर एमटीएस और हवलदार की 2583 वैकेंसीज है। सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल के आधार, मेडिकल मेरिट के आधार पर होगा। डेट की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन सबमिशन इसके लिए 27 जून से 3 अगस्त तक चले थे। एग्जाम डेट 30 सितंबर से 14 नवंबर 2024 है। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड आज ही से रिलीज हो चुके हैं। 20 सितंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जो एसएससी सेंट्रल रीजन है, सीआर रीजन है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सिविक सीबीएन एग्जामिनेशन 2024 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। जैसे आप क्लिक हेयर के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस या डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मल्टीटास्किंग एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेंट ओनली के लिए यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट योर फर्स्ट एग्जाम सिटी आज को यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई, आपको एक कैप्चा वेरीफाई करना होगा और सर्च बॉक्स पर क्लिक करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आप यहाँ पर अपना रोल नंबर भूल चुके हो तो आप यहाँ पर इसके द्वारा भी यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप रजिस्ट्रेशन आईडी भूल चुके हो तो आप यहाँ से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इसी तरह से देख सकते हो राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड के लिए जो एसएससी नॉर्थर्न रीजन है इसके लिए जल्दी लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के लिए भी आप देख सकते हो, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश इसके लिए भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा जिस पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसके लिए है लिंक एक्टिवेट सून, लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से भी इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, एसएससी ईस्टर्न रीजन के लिए क्लिक हेयर लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका भी ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, लिंक यहाँ पर एक्टिवेट होने जा रहा है। इसी तरह हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एसएससी नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन एंड डब्ल्यूआर के लिए क्लिक हेयर लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका भी यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिट कार्ड का यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, स्टेटस या डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इसका सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस चेकबॉक को ओके करते हुए सबमिट टैब पर क्लिक करना होगा, यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आई डी, रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। इसी तरह से आप अगर भूल गए हो तो यहाँ से आप रिसेट कर सकते हो और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह कर्नाटक, केरला के लिए भी एसएससी केकेआर रीजन में क्लिक हेयर लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका भी पेज ओपन हो जाएगा। इसके लिए भी आप यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड का यहां पर लिंक दे दिया गया है। इसी तरह असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, एसएससी नॉर्थ ईस्ट रीजन एनईआर रीजन के लिए क्लिक हेयर लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका भी ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके लिए भी आप यहां से ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक हेयर लिंक पर आपको इस पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप फॉरगेट कर चुके हो, भूल चुके हो तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हो और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर गोवा के लिए एसएससी वेस्टर्न रीजन, डब्ल्यूआर रीजन के लिए भी क्लिक हेयर लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका भी ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके लिए भी आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, थर्ड नंबर पर लिंक पर क्लिक करना होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी होगी और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। इसी तरह दोस्तों आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, एसएससी साउथ रीजन, एसआर रीजन के लिए क्लिक हेयर लिंक पर आपको क्लिक करना होगा तो इसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से
से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी रीजन के लिए आप यहाँ से ऐसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, सभी के लिए लिंक दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, SSC MTS के भर्ती के जो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप SSC MTS के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।